The concise history of Reserve Bank of India 1935 to 1981. 1935 जब से RBI की स्थापना हुई है तब से लेकर 1981 तक के इतिहास को अपने आप में समेटे है ये किताब। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करते हैं कि कृपया इस किताब का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। इसके लिए माननीय अनावर पट्टिका पर लगी डोर को आपको खींचना होगा और हमारे मंच पर जो विराजमान गणमान्य अतिथिगण हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय गवर्नर महाराष्ट्र, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और रिजर्व बैंक के गवर्नर, आपसे भी निवेदन है इसमें शामिल हों। विभिन्न मॉनिटरी और फाइनेंशियल मुद्दों पर बारीकी से अवलोकन करती है ये बैंक की कार्यप्रणाली का इतिहास क्या था, इस पर भी ये किताब नज़र डालती है। इस किताब की लेखिका हैं श्रीमती मीना हेमचंद्र, प्रिंसिपल। गरीबों और जन जन के लिए संवेदनशीलता ही तो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अब देश के विकास का प्रमुख हिस्सा हो गया है। माननीय, आपकी इस पहल ने बैंकिंग फ्रेटर्निटी में उत्साह और प्रेरणा का संचार तो किया ही है, वित्तीय सेवाओं के लाभों से जुड़कर गरीबों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, कुछ कर गुजरने का हौसला भी मिला है। ये इस देश का अभूतपूर्व सौभाग्य और एक नई सुबह का उद्घोष है। माननीय, हमारी आपसे विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया आज के इस दिन हमारा दिशा निर्देशन करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, आरबीआई के गवर्नर श्रीमान रघुराम राजन जी और वित्त विश्व के सभी महानुभाव, रिजर्व बैंक की 80 साल की यात्रा पर हम लोग आज मिले हैं। हमारे देश में 80 साल का एक विशेष महत्व रहता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, उस हिसाब से अवसरों को याद किया जाता है, लेकिन शायद भारत इकलौता ऐसा देश है कि जिसमें 80 साल को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। और उसका कारण यह है कि हमारे इसको सहस्त्र दर्श चंद्र दर्शन के रूप में माना जाता है। जब 80 साल होते हैं तब फुल मून 1000 बार देखने का अवसर मिलता है। तो रिजर्व बैंक को एक हजार पूर्ण चंद्र के शीतलता के आशीर्वाद मिले हैं और उस अर्थ में इस अवसर का एक विशेष महत्व होता है। मैं ज्यादा इस दुनिया का इंसान नहीं हूं, इसलिए जो भाषण आपने सुने अभी वो मेरे सॉफ्टवेयर के विषय नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया है उससे ये सब बाहर है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर 2 महीने में एक बार रघुराम से मिलना होता है और मैं देखता हूँ वो 3 या 4 स्लाइड लेके आते हैं और मुझे इतना परफेक्टली समझाते हैं, यानी शायद वो बेस्ट टीचर भी रहे होंगे।
कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, मुझे बिल्कुल समझ आता है हाँ ये कहना चाहते हैं और इसका मतलब ये होता है, इसका ये परिणाम होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि शायद सरकार की और आरबीआई की सोच में बहुत साम्यता होगी तब ये संभव होता होगा। और मैं मानता हूँ ये बहुत आवश्यक होता है। और उस विषय में मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना संतोष व्यक्त करता हूँ, आरबीआई अपनी जो भूमिका अदा कर रहा है। मैं रघुराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 80 साल की यात्रा में श्रीमान देशमुख और उनकी टीम से लेकर के अब तक जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, कई लोगों ने अपना जवानी इस काम के लिए खपाई होगी तब जाकर के एक इंस्टीट्यूशन इस ऊंचाई पर पहुंचती है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अपने आप को ढाला होगा, बदले हुए वैश्विक परिसर में आरबीआई के रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए यहां भी काफी जद्दोजहद हुई होगी। इस समय पर जो नेतृत्व दिया होगा वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरी तरफ से अब तक जिन जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और देशवासियों की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने फैमिली डॉक्टर को टाइम देता हो या न देता हो, लेकिन बैंकर को अवश्य टाइम देता है। उसके जितने लंच डिनर होते होंगे उसमें ज्यादातर बैंकर के साथ होते होंगे। अमीर को भी जहां जाना पड़ता है मांगने के लिए वो जगह है बैंक। तो मैं भी आज यहां मांगने के लिए आया हूं। और मैं भी मेरे परिवार के लिए मांगने के लिए आया हूं। और मेरा परिवार है जिनके बीच में पैदा हुआ, जिनके बीच में पला बढ़ा, वो गरीब परिवार है। गरीबों के बीच में मैं पला बढ़ा हूं। मेरा बचपन वहां गया है, मैंने जिंदगी के उन चीजों को देखा है। और अब प्रधानमंत्री बना हूं तो ये मेरा परिवार इतना विस्तृत हो गया है कि एक प्रकार से बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीने वाले सारे गरीब, एक प्रकार से मार्जिनल फार्मर, एक प्रकार से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उस परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आज वित्त विश्व के पास मैं कुछ मांगने आया हूं। और जब आप 80 साल मना रहे हो तो जरूर किसी को निराश नहीं करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आरबीआई के सभी नीति निर्धारकों को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपना विषय के रूप में पसंद किया है। और 80 साल के समय इस अवसर को मना रहे हैं, इसका मतलब आप जब 100 साल के होंगे और जब शताब्दी मनाते होंगे वो शताब्दी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कहां पर पहुंची होगी, मैं समझता हूं उसके टारगेट भी सेट करोगे तो 20 साल के अंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था गरीब के दरवाजे तक किस प्रकार से काम कर रही है इसका एक खाका तैयार हो जाएगा। और जब 20 साल का पड़ाव आप सोचते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा, 2019 महात्मा गांधी को 150 हो रहे हैं, 2022 देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं, 2025
आपको 90 हो रहे हैं और 2035 ये आपके 100 होंगे। ये चार महत्वपूर्ण पड़ाव मान करके हम अपना एक मैप तैयार कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन में जाने के लिए ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा, ये हमारा रोड मैप होगा और हम ये अचीव करके रहेंगे। और पूरे भारत में चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंकिंग हो या माइक्रो फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो या हमारी नेशनलाइज बैंक्स हो या रिजर्व बैंक स्वयं हो, हम सब एक ही दिशा में सोचे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूं कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा, आजादी के इतने साल के बाद भी 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है बैंकिंग व्यवस्था उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। मैं सभी बैंकों के छोटे मोटे हर व्यक्ति को आज बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और आज देश ने अचीव किया है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है, भारत के आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। दूसरी तरफ जब तक हम गरीब की तरफ देखने का अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एक समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में, तब तक हम शायद प्रोजेक्ट लेंगे, परिणाम लेंगे, लेकिन जब तक वो कन्विक्शन नहीं बनता है, आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल ऑफ फेथ बनने के पीछे या कन्विक्शन बनने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच को बदलती है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, RBI ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे और आप देखिए गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। बैंक वालों ने अमीरों की गरीबी बहुत बार देखी होगी, समय पर पैसे जमा न करने वाले कई अमीर उन्होंने देखे होंगे, रिस्क लेने वाले बैंक मैनेजर भी परेशान रहते होंगे, यार मार्च एंडिंग तक नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं तो आपने अमीरों की गरीबी देखी होगी, लेकिन इस जनधन की योजना से आपने गरीबों की अमीरी के देखने का सौभाग्य मिला। जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी जो 14 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो कर रखना चाहिए। और 14 हजार करोड़ रुपया उन्होंने जमा करवाए, 14 हजार करोड़ रुपया। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है, मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनके मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं, हमें उसको नर्चर करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमें पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पुरुषार्थ से 14 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, बधाई के पात्र हैं, लेकिन 41% लोग पैसे जमा कराएं, वो मैं समझता हूं हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण है, हमारी नई योजनाओं के लिए वो एक हमारे लिए एक लैंडमार्क बन सकता है। और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में, ये बात ठीक है
कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो, तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटें, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोडमैप क्या हो। अब मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसका बैंक खाता खुला है वो ऑपरेशनल कैसे हो। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं ऐसी हैं कि जो बैंक के रूट से ही आगे बढ़ने वाली है। बैंक के रूट से आगे बढ़ने के लिए सरकार ने एक ने अपने जैसे अभी हमने गैस सिलेंडर कर लिया और करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने की व्यवस्था बन गई, और इसके कारण जो लीकेजेज रुका है हमारे देश में। भ्रष्टाचार करने के बाद क्या करें इसके लिए बहस बहुत हुई है, लोकपाल बनाओ डिकना बनाओ कानून सब कुछ हो, वो भी गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन करने के बाद न हो इसलिए क्या ये योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की व्यवस्था और 8,000 करोड़। मैं बताता हूं जी, मैं आंकड़ा अभी बताता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित जरा निकाले कि कितनी एक्स्ट्रा सब्सिडी जाती थी जिसमें सिलेंडर भी नहीं होता था, सिलेंडर लेने वाला भी नहीं होता था, लेकिन चेक फटता था। अब इस व्यवस्था से यानी ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सकती है, बैंकिंग व्यवस्था से इतना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है वो शायद हमारे यहां सोचा नहीं गया था, आज हो रहा है। और उस अर्थ में बैंक के लोगों के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि देश में ट्रांसपेरेंसी लाने में बहुत बड़ी भूमिका आज बैंकिंग सेक्टर करना शुरू किया है। ये भी हमें एक नया विश्वास पैदा करता है, हमारे में एक नई आशा को जन्म देता है। कुछ बातें ऐसी हैं कि हम आपने देखा होगा कि आपके बैंक में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 जितने भी लोग होंगे उनको खुश रखने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ती है। हर काम की तारीफ करनी पड़ती है हर बार, लेकिन आपका जो आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, नंबर 4 उसको दौड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाता है, उस गरीब को दौड़ाने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जिसको हमने चौथी पादान पर रखा हुआ है उसके डीएनए में वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा परिणाम देती है, आपके लिए रिस्क लेती है, रात भर सोता नहीं है। जो वो आपके लिए करता है वही वो देश के लिए भी कर सकता है। ये गरीब जो है उसको थोड़ा सहारा चाहिए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परिणाम देता है वही गरीब राष्ट्र जीवन में भी परिणाम दे सकता है। जब तक इंटेलेक्चुअली हम इस चीज को कन्विंस नहीं होंगे, जब तक ये हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनेगा और हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को मैं जिस नजरिए से कह रहा हूं उस नजरिए से नहीं देखें, तब तक इंक्लूजन एक प्रोग्राम बनेगा, इंक्लूजन स्वभाव नहीं बनेगा। मुझे इंक्लूजन प्रोग्राम नहीं, इंक्लूजन स्वभाव बनाना है। और एक बार आप सोचिए, फिर आपका आनंद कुछ और होगा। आपने देखा होगा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे देते हैं जो बैंक, आप उनके किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, 100 लोगों का सर्वे करा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं गरीब से गरीब है, लेकिन अगर उसको बुधवार को 100 रुपया वापस करना है
तो मंगल को आकर के दरवाजे खटखटाती हैं कि मेरे 100 रुपये ले लो। आप देखिए इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को राष्ट्र के विकास में हम कैसे जोड़े हैं। मुझे विश्वास है कि अब जो माहौल बना है और वो परिणाम बहुत बड़ा देंगे। अभी हम जो मुद्रा बैंक का कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आगे वो एक मोबाइल बैंकिंग का ही रूप में एक इवॉल्व हो जाए। इस देश में करीब 5.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, और आज फाइनेंस की जो स्थिति देखें तो एवरेज इन लोगों का 17,000 रुपीज से ज्यादा कर्ज नहीं है। ओनली 17,000 रुपीज के कर्ज से वो किस प्रकार से इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर ये 5-6 करोड़ लोग हैं जो कोई सब्जी बेचता होगा, दूध बेचता होगा, अखबार बेचता होगा, छोटे है, उनको क्या चाहिए 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपया? उसको कुछ नया करने की ताकत आएगी, सुबह अखबार बेचता है अगर 2,000 रुपया है तो दोपहर को गुब्बारे बेचने जाएगा, तो शाम को बर्फ की लहरी चला लेगा। वो अपना दिन भर में 4 प्रकार के काम करके अपनी इनकम को 2,000 से 20,000 तक ले जाएगा और देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर देगा और 6 लोगों को रोजगार देने की उसकी ताकत होगी। क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं क्या? हम, हमारा किसान आत्महत्या करता है, यह दर्द सिर्फ अखबारों के पन्नों पर और टीवी की स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। यह हमारा किसान जब मरता है क्या बैंकिंग सेक्टर के हृदय को हिला देता है? साहूकार से पैसे लेने के कारण कभी कभी उसको मरने की नौबत आती है। 60 साल के बाद आज 80 साल हम मना रहे हैं आरबीआई के, तब क्या हमारे दिल में आवाज उठ सकती है कि भाई हम हमारी बैंकिंग व्यवस्था के हाथ पर इतने पसारेंगे कि कभी किसान को कर्ज के कारण कम से कम आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी? क्या यह सपना हमारा नहीं हो सकता है? मैं नहीं मानता हूं इसके कारण कोई बैंक डूब जाएगी। हम कभी ये तो सोचते हैं कि कोई कंपनी हमारे पास आए और वो कहे कि भाई हमारा जो फैक्ट्री है हम उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कार्बन एमिशन कम करने वाली लाने वाले हैं, हमें बैंक से इतना पैसा चाहिए। हम खुशी से देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे ब्रोचर में भी छापते हैं कि हमने कार्बन एमिशन कम करने वाले इनिशिएटिव्स को इतना इतना बैंकिंग किया, बड़ा गर्व करते हैं। लेकिन कोई किसान आकर के ये कहे कि मुझे 50 पेड़ लगाने हैं, मुझे बैंक की लोन दो, मुझे बताइए कार्बन एमिशन के लिए ये बहुत बड़े से बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लेकिन मुझे मेरे तराजू में वो तो है लेकिन ये नहीं है। क्या हमारा बैंकिंग सेक्टर, आप देखिए हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं, किसान मर रहा है, अगर हम एक इनिशिएटिव ले, एक नई योजना बना सकते हैं कि हमारे देश में जो मार्जिनल फार्मर है उसकी ज्यादा जमीन, एक खेत और दो खेत को डिमार्केशन में जो जगह जाती है उसमें वो बाड़ लगा देता है और इतना वेस्टेज है, भारत जैसे देश को ये जमीन बर्बाद होने की चिंता करने की आवश्यकता है? उसी दिशा में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर हम बैंकिंग के द्वारा इनिशिएटिव लें कि भाई जो डिमार्केशन का तुम्हारा बॉर्डर है वहां अगर तुम पेड़ लगाते हो तो हम तुम्हें इतना फाइनेंस करेंगे और ये पेड़ तुम्हारी मालिकी का बनेगा, आगे चल करके हमारी ये पार्टनरशिप होगी, तुम्हारी बेटी की शादी होगी और 4 पेड़ काटने होंगे, टिम्बर के रूप में बेचना होगा, तो बैंक को इतना पैसा देना था, तुम इतना मुझे बताइए तैयार होगा कि नहीं होगा? हम कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट की दिशा में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? और जिस किसान की फसल तो बर्बाद हो जाएगी लेकिन पेड़ खड़ा होगा तो उसको लगेगा अभी तो मेरी कोई छाया है, मैं जिंदगी में मरने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ के सहारे मैं फिर से एक बार नई जिंदगी खड़ी कर दूंगा, विश्वास पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समाज के भिन्न भिन्न तबके और बड़े क्रिएटिव माइंड के साथ हम किस प्रकार से फाइनेंसिंग की व्यवस्था करें
जिसके कारण उसको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो फायदा कर सके, हम उस नए तरीकों को कैसे सोचे। जिस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन में इमीडिएटली हमारे देश में दो चीजों पर हमारा ध्यान जाता है, एक आर्थिक लेयर, इनकम के आधार पर या स्थिति रहन सहन के आधार पर, दूसरा सामाजिक ताने बाने, जाति प्रथा का थोड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन इंक्लूजन में एक नए पैरामीटर की ओर देखने की जरूरत है और वो है ज्योग्राफिकल इंक्लूजन। आज भी देश में देखिए हमारी इकोनॉमी को, और ये हम सबने सोचना चाहिए, गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, और गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश का पश्चिमी छोर, वहां तो आर्थिक गतिविधि दिखती है, लेकिन जो देश का पूरब का छोर जिसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक संपदा है वहां आर्थिक गतिविधि नहीं है। हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल में मैं देश के पश्चिमी छोर पर तो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मेरी बैंकिंग व्यवस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन पूरब का इलाका जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा पड़ी हुई है, जहां पर इतना सामर्थ्यवान मनुष्य बल है, मैं उसके विकास के लिए क्या करूंगा। इसलिए हमारे ज्योग्राफिकली भी मैपिंग करने की आवश्यकता है कि वो कौन से इलाके हैं कि जिसमें पोटेंशियल है लेकिन हमारी रीच नहीं है। हमारे इंक्लूजन में जिस प्रकार से समाज के भिन्न भिन्न तबकों की ओर देखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से भारत के भिन्न भिन्न भूभाग की ओर भी देखने की आवश्यकता है कि वो कौन सा भूभाग है कि जिसमें सामर्थ्य है लेकिन अवसर पैदा नहीं हुआ है। हम और विकास करना है तो हमने उसकी परंपरागत ताकत को सबसे पहले पहचानना पड़ता है। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट को अगर एक ब्लॉक माने तो हमारे पास मैपिंग है क्या कि भाई वहां का पोटेंशियल ये है, अनटैप पोटेंशियल इतना है, टैप करना है तो दिजार्दा। और सरकार और बैंकिंग व्यवस्था करके सोचे कि भाई आप रॉ मटेरियल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप मैनेजर स्किल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप वहां पर एनर्जी सप्लाई करने के लिए कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर लीजिए, बैंक्स आर रेडी, हम इस यहां के नक्शे को बदल देंगे। इंक्लूजन में हमने हमारे देश के विकसित इलाके, विकास की संभावना वाले इलाके, विकास से वंचित रह गए इलाके, इनके सारे पैरामीटर बना करके हमारे इंक्लूजन के मॉडल में हम इसको कैसे प्रस्तावित करें। मैं समझता हूं अगर ये हम करेंगे तो बहुत भारत को दुनिया में आर्थिक ताकत की ओर बढ़ना है। 3 साल का बच्चा 6 साल का होता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ने में फर्क तुरंत नजर आता है कि पहले वो 2 फुट का था, अभी 4 फुट का हो गया। लेकिन 20 साल वाले को 4 साल के बाद भी 2 इंच बढ़ाना तो मुश्किल हो जाता है। आप जहां बढ़ चुके हैं बढ़ने की गति धीरी रहेगी, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां थोड़ा सा डालने से बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो एक नए कॉन्फिडेंस को जन्म देगा। और आज विश्व में भारत के नेक्स्ट 10 ईयर के ग्रोथ रेट की जो चर्चा हो रही है उसका पोटेंशियल एरिया कौन सा, यही है हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करने की जगह अगर कहीं है तो हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है। हिंदुस्तान के माइंस और मिनरल में जो अभी हमने डिसीजन लिए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे धनी राज्य बनने की संभावना, जिनके पास कोयला था वो राज्य बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये राज्य एक नई ताकत के साथ उभरने वाले हैं। क्या हम बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ध्यान है कि भाई इतना बड़ा वहां कल्पना बाहर का एकदम से जंप आया है, हम बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा वहां कैसे बदलाव लाए। अगर हम इस बात को करेंगे मैं मानता हूं परिणाम बहुत बड़ा होगा। एक और क्षेत्र है जिसको भी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं, जिसका संबंध न आर्थिक स्थिति से है
न सामाजिक स्थिति से है और न ही इसका संबंध भौगोलिक परिस्थिति से है, और वो है नॉलेज में हम फाइनेंशियल पार्टनरशिप कैसे बने। हमारे देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। ये 35 से नीचे का जो पॉपुलेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसे या तो स्किल चाहिए या नॉलेज चाहिए। आज जो वर्तमान इंस्टीट्यूशंस हैं उससे उसको जो प्राप्त होता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए कुछ कमी महसूस होती है। अब हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज इंस्टीट्यूशंस लाते हैं तो हमारे देश के नौजवान के लिए वहां पढ़ना कठिन है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। क्या बैंक एक ऐसा मीडिएटर बन सकती है कि कितनी फी वाली इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ने जाएगा। हम खड़े हैं, हम ज्ञान उपार्जन के प्रयास हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का बच्चा भी कितनी ही धन खर्च करके अगर पढ़ाई करने की ताकत रखता है, हम पूरी तरह, मैं समझता हूं लंबे समय के लिए बेनिफिट करने वाला ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और इसलिए हम हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारे स्टूडेंट्स, उनका अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का इरादा, और उसको अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ताकत जितनी ज्यादा होगी, देश को आने वाली शताब्दी में अपना नेतृत्व करने की ताकत आएगी। हमारी इमारतें कितनी अच्छी बनी हैं, इससे दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली नहीं है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के पास कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है इनके अंदर। वो उस ताकत का आधार दंड बैठक से नहीं आता है, उस ताकत के लिए उसको ये शिक्षा का अवसर होना चाहिए। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास बनाता है, बैंक मदद करें। स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाना चाहता है, बैंक मदद करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं जी, अब तक का जो आपका एनपीए का अनुभव है, इसमें कभी ऐसा कटु अनुभव नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। देश का नौजवान पाई पाई लौटा देगा, लौटाएगा, लेकिन देश बहुत आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक टॉप क्लास हाई क्वालिफाइड मैन पावर तैयार करने तक पूरा चेन कैसे बनाएं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। और एक विषय मेरे मन में है, मेक इन इंडिया। मैं मेक इन इंडिया के विस्तार में और बातें नहीं करना चाहता, मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन शायद सोचा जाए, हम आज आरबीआई के 80 साल मना रहे हैं। आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या कि फलानी तारीख को जो हमारी करेंसी छपेगी, उस करेंसी का कागज भी इंडियन होगा और इंक भी इंडियन होगी? ऐसा नहीं चल सकता। जिस गांधी ने स्वदेशी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो विदेशी कागज पे उसकी तस्वीर छपती रहे, क्या शोभा देता है? क्या क्या मेरे देश के पास ऐसे उद्योगकार नहीं है क्या? उनको कंपल किया जाए, तुम्हें ये फैक्ट्री लगानी है, पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन ये लगाओ बगल में, लाओ दुनिया से टेक्नोलॉजी लाओ, और हमारी करेंसी, हमारी नोट कागज हिंदुस्तानी होना चाहिए, इंक भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आरबीआई इस बात को एक जिम्मेवारी समझ करके एक नेतृत्व दे। ये बदलाव के, ये मेक इन इंडिया तो यहीं से शुरू होता है जी। मैं मानता हूं कि हम इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि देश आज जहां पहुंचा है उसमें आप सबका बहुत योगदान है, इन इंस्टीट्यूशंस का योगदान है। और मैं उस व्यक्ति इंसान हूं, मैं मानता हूं कि आइडिया कितने ही होनहार क्यों ना हो, अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ताकतवर नहीं है तो सारे विचार भांज रह जाते हैं। और इसलिए इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो, आरबीआई की गरिमा और कैसे बढ़े,
बैंकिंग सेक्टर की अपनी गरिमा कैसे बढ़े, सभी संस्थाएं अपने आप में ताकतवर कैसे बने। जितना संस्थाओं का नेटवर्क ताकतवर होगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का होगा, अल्टीमेटली देश का लाभ होने वाला है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार देश चलना चाहिए। देश आपने जिन वैल्यूज को स्वीकार किया है उन वैल्यूज के लिए अगर चलेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और उस बात को हमको लेकर के चलना चाहिए। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। देखिए देश की ताकत देख लीजिए। कभी कभी हम अपने देशवासियों को कुछ भी कह देते हैं। मेरा अनुभव अलग है जी। हमने ऐसे ही कानों कानों में एक बात शुरू की थी कि भी जो लोग एफोर्ड करते हैं इन लोगों ने गैस सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। अब जो लेते थे वो कोई सरकार को 500 रुपया नहीं मिलते तो कोई भूखे नहीं रहने वाले, लेकिन ध्यान नहीं था। ऐसे चलता है यार, ध्यान नहीं था। सहज रूप से हमने बातें बातें में कहा, मैंने कहीं पब्लिकली नहीं कहा था। और मैं हैरान था, मैं सचमुच में हैरान था, 2,00,000 लोगों ने वॉलेंटरीली अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। कानों कानों पे बात पहुंची। ये देख करके मेरा विश्वास बढ़ा, तो मैंने अभी ऑफिशियली पिछले हफ्ते लॉन्च किया कि भाई जो एफोर्ड करते हैं उन्होंने गैस सब्सिडी को सरेंडर करना चाहिए। और सरकार का इरादा सब्सिडी बचा करके तिजोरी भरना नहीं है। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण पॉल्यूशन होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएं में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात जब करता हूं तब आप जिस गैस सिलेंडर को छोड़ें वो उस गरीब के घर में सिलेंडर जाए ताकि उस महिला को लकड़ी जला करके धुएं में अपने बच्चों को पालने की नौबत ना आए। मुझे बताइए ये सेवा नहीं है क्या? मैं विश्वास करता हूं कि सभी हमारे बैंक अपने सभी कर्मचारियों को विश्वास में ले, बैंक एक एक बैंक रिजॉल्व करे कि हमारे बैंक के 20,000 कर्मचारी हैं हम सब्सिडी छोड़ देंगे। सर इंडस्ट्रियल हाउस डिसाइड करे कि हमारे इंडस्ट्रियल हाउस में 5,000 एम्प्लॉई है हम सब्सिडी छोड़ देंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री उनको पैसे दे, ये मैं नहीं चाहता। वॉलेंटरी देना यानी देना, हर एक व्यक्ति का। अगर हिंदुस्तान में हम 1 करोड़ लोग ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दें, इतनी ताकत रखते हैं, 1 करोड़ गरीब परिवारों में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, जिसके कारण जंगल कटते हैं, जिसके कारण कार्बन एमिशन होता है, जिसके कारण गरीब के बच्चे को धुएं में पलना पड़ता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हर छोटी चीज में संभव होता है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विजन से यह संभव होता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूं। मैंने काफी समय ले लिया लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने पहले ही कहा था मेरा ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन मैं जिस बिरादरी में पैदा हुआ गरीबी मैंने देखी है और गरीब की गरीबी से बाहर निकलने की ताकत है। थोड़े हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करने की ताकत बैंकिंग सेक्टर के पास है। आइए हम सब मिलकर के देश को गरीबी से मुक्त कराने के अभियान को, फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस मिशन के साथ आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए आपके संबोधन के लिए। आज के इस स्मरणीय और ऐतिहासिक दिन की मधुर स्मृति के रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गणमान्य अतिथियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह श्रेडेड नोट से बने हैं माननीय, और इसमें महत्वपूर्ण दांडी मार्च को दर्शाया गया है। दांडी यात्रा को नोट की कतरनों से बनाया गया है। हम गवर्नर RBI डॉक्टर रघुराम राजन से अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपसे ही निवेदन है डॉक्टर रघुराम राजन की, कृपया माननीय गवर्नर महाराष्ट्र श्री सी विद्यासागर राव को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। गवर्नर RBI अब माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। डॉक्टर रघुराम राजन, आपसे ही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह हम आपको बता दें कि ये स्मृति चिन्ह गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज एक मोर चेन्नई के स्टूडेंट्स ने बनाया है, और ये नोट की कतरनों से बना है।